गाइस नमस्कार, जय जगन्नाथ। किंतु चंद्र प्रमाण आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग इज बेसिकली गोइंग टू बी कुकिंग व्लॉग। तो बिकॉज संजू मुझे बॉक्स इतने तो सडनली आमको चिकेन पकोड़ा खायापी बहुत इच्छा है। बिकज एक्चुअली आज होली मैंने ओडिशा रे आज होली, महाराष्ट्र तो खाली ही होली सरी जा। तो मो फैमिली माने मो घरवाला माने से माने आज मस होली सेलिब्रेट करते एंड से माने सका सब चिकन पकोड़ा बने के खाइले। तो मत से फोटोज वगैरह देखी मत भी इच्छा है, तो मुझे संजू कहली कि चल आम भी पकोड़ा बन खाइब। तो सांगे सांगे गले चिकेन आने सो या चल तो जल्दी चिकेन पकोड़ा बनवा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो एबे हम कुकिंग स्टार्ट कर। सो संजू तो फर्स्ट यही चिकेन गुड़ा टी बड़ बड़ पीस अच्छी, तो से गुड़ाक से छोट छोट पीस रे कट कर, तो सी काटि साले एगुड़ाक आम मेरीनेट कर चिकेन गुड़ाक। हे गाइस, तो एबे फर्स्ट आम ए पकेबा जिंजर गार्लिक पेस्ट। मुझे रेडीमेड वाला जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं ची। देन आम ए पकेबा विनेगर। बहुत जन विनेगर जगह लेंबू भी यूज करती, तो मुझे विनेगर पकाउँ 1 टेबल स्पून। तापर मुझे जो कंचा लंका काटिक रखी दीटा से पकाउँ। पकेबी 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर एंड 1 टीस्पून जीरा पाउडर। धनिया पाउडर आगे पकईद पकेबा कश्मीरी लाल मिर्च। लंका गुंड मु पकेबिनी, कश्मीरी लाल मिर्च ही पकेबी। ना सब को हमें गोल एंड यटा को मु 1 आवर जाए रखिदेवी फ्रिज रे। को भल से मेरीनेट करके मु 1 आवर जाए फ्रिज रे रखिदेवी। 1 आवर पर जहाँ भी कॉर्नफ्लोर वगैरह सब एड करी। तो गोटे घंटा हो गला, तो ये बाद बाकी जिनस सब पकेबी ए बेसन कॉर्नफ्लोर और बाद बाकी जहाँ भी मसला अंडा और तेल। अरे यार तेल नहीं, तो तेल पैकेट थी ना आम पाखे। हाँ, तो यहाँ आमर हूँ यहाँ गोटे हूँ स्टोरेज रूम जोटी आम सब जिनस रुहे जहाँ भी एक्स्ट्रा आइटम आम ग्रोसरी सामान आसता है। तो ये सारा काफ़ी सारा जिनस अच्छे कमेक अच्छे मेच सारा। तो ये फर्स्ट तो मुझे सजमें कल टे हल्दी गुंड पकेबापी, तो मुझे टी अल्प खाली हल्दी गुंड पकाउँ एंड प्लस मतलब लगुच राग हेनी, तो मुझे टी लंका गुंड पकाउँ एंड तापर मुझे टी एड कर गरम मसला। मुझे पकेबी अंडा एग गोटे अंडा मार्केट अंडा भांगी जाता, तो मुझे दीटा अंडा पकाउँ ए भांगी जा अंडा। ओके एंड फर्स्ट तो मुझे सब आगे मिक्स करी भल से। अरे नो अंडा गोटे पक करते कि दीटा, बट दीटा ही पकई दूचे। बहुत जन अंडा पका भी, बट अंडा पकाउँ फर्स्ट। मुझे एड कर कॉर्नफ्लोर, बहुत जन आरारूट भी एड करती, तो तापर मुझे एड करी ए बेसन। नाउ मुझे भलसे पूरा मिक्स करी गुड़ाक भलसे पूरा। ओके मुझे तेल बसईदी गरम करने, तो ये गोटे जगार जो मुझे छाणी की रखी से टिश्यू पेपर वगैरह देखी तो रेडी कर दूची छाणी की रखा आम स्पेशल चिकेन पकोड़ा स्पेशल बिकज मुँ बना। हा हा, मो तेल गरम हो गला, तो मुझे चिकेन गुड़ाक पकईबी तेल रे। एंड
ଏଇଟା କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଲୋ ମିଡିୟମ ହିଟରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଇଏ ହବା ପାଇଁ ଦେବି, ଚିକେନ ଟାକୁ ହବା ପାଇଁ ଦେବି। ଅଦରୱାଇଜ ପୁରା ହାଇ ହିଟରେ କଲେ ଏଇଟା ବାହାରୁ ପକେଇଯିବ, ଭିତରୁ ସେଇଟା ଭଲସେ ସିଝିବନି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଲୋ ମିଡିୟମ ହିଟରେ ତାକୁ 5-6 ମିନିଟ ଭଲସେ ତାକୁ ପକେଇବି ପୁରା। ତ ଏବେଠୁ ସଞ୍ଜୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିନେଲେ ଛଣା ଛୁଣି ଆସିକି କରିବେ। ମୁଁ ଚିକେନ ଚାଲି ତ ସଞ୍ଜୁ କହିଲେ ଏଥିରେ ଟିକେ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ପକେଇବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ଟିକେ ତାପରେ ଟିକେ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ପକେଇଲି, ଜ୍ୟାଦା ହିଁ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା ବୋଧେ, ବେଶୀ ନାଲିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା। ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଛଣା ହେଇସାରିଲା, ତ ଏପଟେ ମୋ ଶାଶୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ବୋଉ ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ ବ୍ଲଗକୁ ଟିକେ ହାଇ କହିଦିଅ। ଆରେ ହାଇ ମାନେ ଯୋଉ ହାଇ ହେଲୋ ବାଲା ହାଇ, ବୁଝିପାରିଲେନି। ଏନିୱେ ତ ଏବେ ସିଏ ଯାଇକି କଥା ହେବେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଛାଣିଦେବି। ଏଇ ବାଲା ଚିକେନଟା ବି ରେଡି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଛାଣିଦେବା। ଏଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ କଲରଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ରେଡି ହେଇଗଲା, ତ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜେଇ ଦେବା। ଚିକେନ 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 ୟେସ୍ ରହିଲା ଚିକେନ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି 3 ଟାଇପ୍ର ସସ୍ ନେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଟମାଟୋ ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍ ଟିକେ କମ୍ ନେବା। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସୋରିଷବାଲା ସସ୍ଟା, ମୋତେ ଏଇ ସସ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ଶୁଣିଛ ମୋ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଇ ସୋରିଷବାଲା ସସ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଆମେ ନେବା ଚିଲି ସସ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ସସ୍। ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ସସ୍ କମ୍ ହିଁ ନେବା, ନଟି ବେଶୀ ନେଇ ନେବା। ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟଲି ନେବା ପିଆଜ, ବିକଜ ପିଆଜ ବନା ଚିକେନ ପକୋଡ଼ାର ମଜା ଲାଗିବନି। ଗୋଟେ ଡେକୋରେସନ କରି ତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ବଟ୍ ହଉନି ଏତେ ଖାସ୍। ଏଇଟା ରହିଲା ମୋର ଚିକେନ ପକୋଡ଼ାର ପ୍ଲେଟ୍, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚିକେନ ପ୍ଲେଟ୍, ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଓବିଅସ୍ଲି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଟିକେ ଦେଖିନେବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପାଖକୁ ଓକେ ଟେଷ୍ଟ ବି ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ହି ହେଇଛି। ସୋୟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ରେସିପି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ Do subscribe to my channel guys, see you in the next vlog, okay bye।